subscribe to our channel and click the notification bell button. Okay. First birthday started. Yay! Where is Nishtha? Nishtha Babu? In bathroom. Let's wish Papa happy birthday. Let Didi also come, okay? Let Didi come. Apple laptop. Come. What did you say today? What do you want to buy, Papa? Apple laptop. What? Apple laptop. Papa has laptop already. So let's wish Papa, let's say happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. One more thing to tell you. I cut my hair. So what are we going to do, Papi Papa? What are we going to make his day special? How we can make his day special today? We're going to put some chocolate cake. Mm-hmm. We're going to put chocolate outside. Inside is going to be strawberry. Strawberry? Oh, very nice. Yeah? And you will not trouble Papa tomorrow. Papa will get full rest. What say? What do you say? No. Happy birthday. Happy birthday. How many years have you been? Okay. 40. Forty is a naughty age. Naughty. तो 40 start हुआ है ना जो आपका? Yep. हाँ? तेरे आगे आगे. 40 complete. तेरे पीछे पीछे मैं. 40 complete हो गया. Let's buy a cake. हाँ, we'll order cake. Do you want to cut cake? No. Yes, I want to cut cake. अरे आपको खाना cake यार. क्या ये? Birthday किसका है? तो birthday में क्या करेंगे ये? मेरे birthday में cake नहीं. आपको एप्पल क्या देने वाला है? एप्पल लैपटॉप की एप्पल फ्रूट एप्पल लैपटॉप यू हैव बॉट अ गिफ्ट ऑलरेडी. वेयर इज द गिफ्ट? वेयर इज एप्पल लैपटॉप? वेयर इट इज? दैट्स नॉट एप्पल लैपटॉप. व्हाट इज दैट? दैट्स पापास ओल्ड लैपटॉप. यू गोना गिव पापा ओल्ड लैपटॉप देन? एप्पल लैपटॉप इन बिहाइंड ऑफ द लैपटॉप इट सेज अ हाफ एप्पल. अच्छा, हाफ एप्पल. हाफ और 3/4 fractions बताओ. like this. Half है, 3/4 है. Apple जो काटा हुआ है. 3/4. Yay, very nice. See back. चलो काम खत्म करो चलो. Let's see back 5. Oh, तेरा happy birthday dance. Papa. See back 5. Oh, तेरा happy birthday. Papa. Oh, तेरा happy birthday. 5/5. अभी हम लोग जाएंगे सोने. अजीत काम करेंगे. और कल हम लोग देखते हैं क्या करते हैं. We'll see. We will go out for lunch. पापा ने लंच का रिक्वेस्ट मुझे दिया है ऑलरेडी. मेरे पास में रिक्वेस्ट दी है पापा ने. आउट टुमारो आई एम गोना मेक छोले भटूरे. या छोले भटूरे विद पुदीना की चटनी एंड मिर्ची, फ्राई मिर्ची. यस, एंड धनिया पुदीना चटनी. यू लाइक इट? चलो चलो कम ऑन लेट्स गो टू स्लीप नाउ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का दिन भी शुरू हो गया है. अभी जो है सुबह के हो रहे हैं 8. ओके सुबह था. ओके सुबह के हो रहे हैं 8 और मैं सुबह 6:30 को ही उठ गई. निष्ठा जो है उसको उठाऊंगी अराउंड 8:30 और उसको अभी आज 9 बजे एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम अटेंड करेगी. और मैं जल्दी मुझे भी जल्दी नहीं उठना था. मुझको भी 8 बजे ऐसे ही उठना था बट मुझे आज मेरी आँख जल्दी खुल गई, मेरी नींद जल्दी खुल गई और मैं उठ गई. फिर मैंने उठ के टीवी देखा, वीडियो एडिटिंग करी, वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम में, वीडियो अपलोड किया. आज अजीत का बर्थडे है तो मैं सारी फ़ोटोज़ को मैंने ढूंढ के उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाया, फ़ोटो की मूवीज़ बनाई, उस पर गाना लगा के मैंने अपलोड किया इंस्टाग्राम में. आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए. गरिमा एस्प्राइट है, यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ. तो अब जो है 8 बज गए हैं तो सोचा चलो भैया अब जाती हूँ. अब मैं जाके चाय बनाऊँगी अपने लिए और साथ में बनाऊँगी ब्रेकफास्ट. और अजीत जो है वो उठेंगे क्योंकि रात को सोए 4 बजे हैं, उनका काम होता है ना जैसे आपको पता है. तो वो उठेंगे अराउंड 11:30. तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ और मैं चाय बनाऊँगी, पोहा बनाऊँगी. और आज जो है खाने में बनने वाला है अजीत ने मुझे कहा था कि अगर हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जाने वाले हैं तो मुझे घर पे खाना है छोले भटूरे.
तो आज अजीत के लिए, यू नो व्हाट, अजीत और हृदय उनका जो खाने का हैबिट्स है ना, जो खाने का जो उनका क्या बोलते हैं टेस्ट है वो बिल्कुल सेम है, और मेरा और निष्ठा का जो है, हमारा जो खाने का जो हमको पसंद है खाने की चीज़ें वो बिल्कुल सेम है। तो जैसे निष्ठा को वड़ा पाव, बर्गर, कढ़ी, स्पाइसी बहुत पसंद है, वैसे मुझको पसंद है। और मुझे याद है हृदय के बर्थडे में भी मैंने छोले भटूरे बनाए थे, क्योंकि हृदय ने कहा था कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, और अजीत ने भी अपने बर्थडे के लिए छोले भटूरे ही बोले। तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, दोनों बाप बेटे ना बिल्कुल सेम आदत है उनको, सेम मतलब उनको है भी, और खाने का जो उनका तरीका ना सेम है। हृदय भी राइस नहीं खाता है, अजीत भी राइस नहीं खाता है, खाते हैं। अजीत लव सॉस विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हृदय ऑल्सो लव सॉस, वेरस निष्ठा और मुझे सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उन अजीत और हृदय का खाने का पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम है, और निष्ठा और मेरा जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है। मनमोर थिंग, हृदय और अजीत स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते हैं, और मैं और निष्ठा वी लव स्पाइसी, दे डोंट ईट राइस, वी ईट राइस। सो देर आर सो मेनी कॉमन थिंग्स। अजीत एंड हृदय दे लव पाव भाजी, निष्ठा और मुझे पाव भाजी ओके ओके पसंद है, मुझे पसंद है ओके ओके इतना, लाइक आई एम नॉट वेरी वेरी बिग फैन ऑफ पाव भाजी, बट अजीत एंड हृदय आर क्रेजी अबाउट पाव भाजी। सो देर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज। ओके, बातें बहुत हो गई, मैं किचन में गई थी बात करने, फिर से बाहर आ गई। अब मैं जाके किचन में रखूँगी चाय और बनाऊँगी पोहा। पोहा बनाने के बाद जो है मैं निष्ठा को उठाऊँगी, और फिर वो अपना एग्ज़ाम देगी, और एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो पोहा खाएगी। साथ में जो है मैंने आपको छोले भिगो दिए थे, तो अब मैं छोले बॉयल करने रखूँगी। मैं जो छोले क्या करती हूँ, छोले पहले बॉयल करती हूँ और उसके बाद उसमें तड़का लगाती हूँ। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि छोले में तड़का पहले लगाते हैं, बट मैं जो हूँ छोले बॉईल करने के बाद मैं लगाती हूँ तड़का। तो कि छोले मैंने आपको भिगो दिए थे धो के, तो ये भीग गए हैं। मैं इसमें चाय पत्ती का पानी जो है डालूंगी बॉईल करके थोड़ा सा, और इसमें जो है मैं डालती नहीं हूँ हल्दी, तो इसमें जो है चाय पत्ती के पानी से थोड़ा वो आता है, कलर आता है, अच्छा होता है। साथ में बनाने वाली हूँ धनिया पुदीने की चटनी, तो मैंने इमली भिगो ली है, चटनी बनाऊंगी। छोटा वाला चाय का टोप निकाल लिया है, क्योंकि खाली एक कप चाय बना रही हूँ। यहाँ से निकालूंगी अदरक, ये रहा अदरक एक का एक पीस, तो इतना अदरक जो है काफी है मेरी चाय के लिए। इसको कूट लो, या तो आप पानी डाल लो, या तो एक कपड़े में जो है इतनी चाय पत्ती, बस खाली इतनी सी, हाँ इतनी सी चाय पत्ती जो है मैं बांध के जब बॉईल करूंगी छोले तो उसमें रख दूंगी, और बाद में जो है जब छोले बॉईल हो जाएंगे तो ये निकाल लूंगी। ये डाल दिया है, नमक एक चम्मच, थोड़ा पानी और ऐड करूंगी, बस अब इसको जो है बॉईल कर लेंगे। इसको ऑन कर दूंगी, अब इसमें जो है इसको एक घंटा लगेगी सीटी, लगभग एक घंटा, मतलब एक घंटे में 8-10 लगेगी सीटी। जब इसमें एक सीटी हो जाएगी तो उसका जो पावर है मैं कम कर दूंगी, इंडक्शन का 3 कर दूंगी, मतलब जो है ये 130 जो है इतना कर दूंगी। अब मैं बनाऊंगी पोहा। चाय मैंने अब तक चढ़ाई नहीं है, मैं पहले पोहा भिगोंगी, तैयारी करूंगी, उसके बाद चाय चढ़ाऊंगी। ये रहा पोहा, जाड़ा पोहा है। आई थिंक इतना पोहा जो है काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि खाली निष्ठा और मेरे लिए है, और थोड़ा सा देख ले अजीत जो है से लंच करेंगे, दिस विल बी इनफ। ये जो है इतना पोहा मैंने भिगो दिया है, 10 मिनट में जो है ये भीग जाएगा। मैंने पानी बिल्कुल कम रखा है, पानी बिल्कुल नहीं है, बस खाली धो लिया है। और अब जो है मैं प्याज, हरी मिर्ची और आलू काट लूँगी। पोहा जो है रेडी हो गया है, देखिए, और यहाँ पर जो है मेरी चाय बन गई है। मैं पोहा मैं जाके इच्छा को पहले उठाऊँगी, 8:30 हो रहा है। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ये रही मेरी चाय। अब मैं लगाऊंगी अपना समथिंग ऑन, तो देखे जरा पोहा कैसे बनाए। नाइस, निष्ठा खुश हो गई पोहा देख के। उसका स्कूल शुरू हो रहा है 9:05 का। मैं निष्ठा बेटा उठ गई है,
मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, निष्ठा का अभी एग्जाम शुरू होगा, 9:05 हो रहे हैं और एक मिनट मेरा हेडफोन्स। अब मैं जाती हूँ अंदर, अब कुछ काम तो है नहीं मुझे, छोले जो हैं उबल रहे हैं, सीटी होने वाली है तो आफ्टर 15 मिनट्स जो है मैं छोले 15 मिनट के बाद जो है छोले को जो का जो एक कुकर है बंद कर दूँगी इंडक्शन और फिर बाद में लगाऊंगी उसको तड़का अराउंड 11 o'clock। तो अब मैं जाके जो है लेट जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ और मुझे अपना ब्लॉग जो है एडिट करना है वो कर लूँगी। पक्का निष्ठा आई गो, आप पोहा ले लोगे वहाँ से अपने आप से? निष्ठा पक्का? हाँ। ओके ठीक है, पोहा। हाँ बेटा कम ऑन, टेक द बेल। व्हाट हैपेंड? आई एम नॉट फ्रेश येट बॉय, यू शाउटेड। ओके सॉरी सॉरी, चल ले डाउन, बिकॉज़ आई वांट टू गो टू बाथरूम बाबू, वंस यू गेट अप ना। अच्छा वांट टू ले डाउन, यू शाउट एट मी व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ओनली फॉर टैब एंड फोन एंड टीवी, दैट्स इट। हाँ, नो टैब एंड फोन, कैन वॉच टीवी। ओके चल, आई एम ऑन द फैन। ओके दीदी आई वाज वाचिंग 1 2 3 गो ऑन। 9:30 हो रहे हैं, 6 days to go to Mahabish। देखिए अजीत क्या कर रहे हैं। अजीत आज जो 9:30 कैसे उठ गए आप आज? बर्थडे बॉय की नींद अच्छी नहीं हो रही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर सब लोग मैसेज थे। अच्छा इसके लिए? ओ हो हो। अब मैं लगा रही हूँ छोले को, छोलो छोले छोलो छोले क्या बोलेंगे, छोलो कि छोले, छोले को तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का लगाने की तैयारी चल रही है। एंड डोंट फॉरगेट टुडेस पापा'स बर्थडे। तेल गरम कर रही हूँ कढ़ाई में, यहाँ पर लहसुन थोड़ा सा अदरक 3 प्याज इसको मैं पेस्ट कर लूंगी, ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए इसको डाल लेंगे तेल में। ये टमाटर पीस लूंगी, प्याज जो है, प्याज अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें जो है टमाटर प्यूरी जो मैंने बना ली है इसको ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लूंगी, अब टमाटर को जो है, टमाटर और इसका जो ये मिक्सर है इसको अच्छे से भूंज लेंगे जब तक इसमें तेल नहीं छूटता है, और मैं इसमें बाद में मसाले भी ऐड करूंगी, पहले थोड़ा भूंजूंगी उसके बाद मसाले ऐड करूंगी। तब तक जो है छोले खोल के देख लूं छोलों का हाल क्या है, और ये जो है चाय पत्ती का कपड़ा इसे निकाल लूंगी। ओके छोले जो है गल गए हैं, दिख तो रहे हैं गले हुए, देखे जरा, एक घंटा बॉईल किया है। आहा एकदम मस्त, बहुत अच्छे से गल गए हैं छोले। यहाँ पर जो है तड़का हो रहा है रेडी, अब इसमें जो है मसाले ऐड करूँगी। छोले बॉईल हो चुके हैं, साइड से जो ये है इसको निकाल लेंगे और फेंक देंगे, ये चाय पत्ती की वजह से आता है। लाल मिर्ची, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दिया है, इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा ये जो तरीका है छोले बनाने का, ये तरीका मेरा तरीका है, आप बोलेंगे कि इसमें ये ऐड नहीं किया आपने, वो ऐड नहीं किया आपने, ऐसा नहीं किया। देखिए ये मैं बनाती हूँ, मेरा तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप बना लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और बनने के बाद आपको मालूम पड़ ही जाएगा दिखने में कि छोले कैसे बने हैं। और ये जो छोले जो बनाई है मैंने, इस तरीके के छोले जो है मेरे परिवार को बहुत पसंद है, तो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी तरीके से बनाने चाहिए, यही एक तरीका है, बहुत तरीके हैं, बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं आप, हल्दी ऐड कर सकते हैं, अनार के दाने होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ये तरीका जो है मेरा है। तो ये जो मसाला जो है देखिए भून चुका है अच्छे से, देखिए अब इस तरह से जो है ये छोले हो गए हैं। अब इसमें जो है इसको हम लोग जो है ये छोलों को इसमें कुकर में ऐड कर देंगे। अरे बाप रे, इस तरह से जो है छोले का मसाला रेडी हो गया है, इसको आप
इसमें ऐड कर देंगे। लिटरली जब सब लोग बोलते हैं ना कि चार पांच हाथ होना चाहिए। देखिए ये छोले जो है इसको मैं एक बार बॉईल करूंगी और बस देखिए छोले जो है थोड़े पक जाएंगे और इसको फिर गार्निश करूंगी धनिया से, हरे धनिया पत्ती से। When mama was making a recording of the recipe, why are you making noise with that? This is the lobster which I found. He's making noise like this. You were showing. छोले जो है बन गए हैं, अब मैं इसका बंद कर दूंगी, धनिया पत्ती डाल दूंगी ऊपर से। अब मैं जा रही हूँ चटनी बनाने और एक मिनट। रिश्ता हो गया क्या? अच्छा यू वॉन्ट, आपको भटूरे का आटा गूंदना है कि मैं गूंदू? आपको गूंदना है भटूरे का आटा, है इंटरेस्ट? ठीक है तो मैं भटूरे का आटे की तैयारी कर देती हूँ निष्ठा गूंदने की और मैं बनाऊंगी चटनी। निष्ठा जो है भटूरे का आटा गूंद रही है एकदम एकाग्रता से। व्हाट डू यू मीन एकाग्रता? इट मीन फोकस। और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर धनिया पुदीने की चटनी। निष्ठा का आटा जो है गूंद के भटूरे का रेडी हो गया। निष्ठा 11 बजने वाले हैं, आपका पीई का क्लास है, डोंट मिस इट। और मैंने जो है चटनी बना ली है, देखिए एकदम यम यम। इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। डोंट लाइक द कोकोनट चटनी, आई लाइक दिस चटनी। कोकोनट चटनी टेस्ट गुड विद इडली, फॉर दैट वी हैव टू यूज कोकोनट चटनी। यू विल लाइक दिस विद इडली? या ओके। तो दिस इज धनिया पुदीना चटनी। आटा भी गूंद गया है, अब जो है मैं पूरा गैस वैस सब साफ कर दूंगी और फिर हम लोग 1:30 बजे लंच करेंगे। तो भटूरे बनाऊंगी गरम गरम। अब पूरा मुझे क्लीन करना है, अब सारे बर्तन वगैरह जो है सुबह के ब्रेकफास्ट के सारे साफ करके, गैस साफ करके आप लोगों से बात करूंगी। हेलो बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय सो के अच्छा भाषण। यहाँ पर लाइटिंग अच्छी नहीं है, यहाँ पर आओ ना जरा, मैं ले रही हूँ यार इधर कैमरा। अजीत जो है आज सुबह जल्दी उठ गए थे, फिर वो फिर से सो गए और फिर 12:15 बजे अजू उठे, 12:15 बजे उठे और मैं रेडी हो गई थी। मुझे थोड़े से रील्स के वीडियो बनाने थे, तो इंस्टाग्राम में डालती हूँ मैं शॉर्ट वीडियोस रील के, तो आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी गरिमा एस प्राइट है और अजीत की आईडी जो है अभी ये भी एक्टिव होने वाले हैं रील्स में, इनकी आईडी है अजीत। मैं ज्यादा नहीं होने वाला अजीत। अरे आईडी बोलना अपने, अजीत S2212। अजीत S2212। मैं अपने सारे वीडियोस में इनको मेंशन करती हूँ, टैग करती हूँ, तो आपको वहां पर आराम से मिल जाएंगे। अभी एक मिनट, अभी बताओ बर्थडे देख के किसका लग रहा है, बर्थडे मेरा लग रहा है या बर्थडे इनका लग रहा है या निष्ठा का लग रहा है? बताओ किसका बर्थडे? निष्ठा मम्मा का बर्थडे। किसका बर्थडे लग रहा है? अरे मेरे पति के लिए मैं सजूंगी। अच्छा अब बेटा अभी हम लोग अब जो बैठा मैं बात करूँ, डाइनिंग टेबल क्लीन करो, बस खाने की तैयारी हो रही है, खाना पूरा रेडी है, जस्ट मुझे खाली छोले गरम करने हैं, चटनी रेडी है, चटनी बाहर निकाल देनी है। अजू यू वांट ऑनियन ना? एंड निष्ठा को चाहिए हरी मिर्ची फ्राई, सो आई विल डू दैट। एक खाने की प्लेट जो है रख चुकी है, तो देखते हैं आज अजीत के बर्थडे के लिए स्पेशल लंच क्या बनाया है मैंने। तो आज है छोले, काबुली चने छोले, भटूरे, धनिया पुदीने की चटनी, प्याज, ये हृदय के लिए छोले है और ये छोले अजीत के लिए, और ये जो प्लेट है निष्ठा की भी लग गई है और मैं अभी गरम गरम बना के दूंगी। निष्ठा की प्लेट में आपको दिखाई देगा हरी मिर्ची अलग से, फ्राइड हरी मिर्ची, और वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं और मेरी सिस्टर भी आई हुई है बरखा। अज्जू बेबी हियर इट इज, एंजॉय इट बाबू, सी व्हाट मम्मा गॉट, सी लाइक इट, एंजॉय। और ये रही निष्ठा की प्लेट, माय हंग्री। गर्मा गर्म भटूरे बन रहे हैं, देखिए कैसे फूल रहे हैं। ये देखिए भटूरा बनाया मैंने, भटूरे डाल लिए, गर्मा गर्म भटूरे बन रहे, देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। इसमें मैंने मैदा, रवा और आटा, गेहूं का आटा लिया है। इसकी रेसिपी जो है मैंने अपलोड कर दी है, मैं इसका जो लिंक है डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको छोले भटूरे की रेसिपी जो है मिल जाएगी, क्योंकि मैंने हृदय के बर्थडे में छोले भटूरे बनाए थे, तो मैंने पूरा रेसिपी दिखाया था, चटनी का, छोले का, भटूरे का, सबका।
यहाँ बन रहा है। मेरी बहन जो है गर्मा गर्म भटूरे पास करती जा रही है। अजीत, हृदय और निष्ठा खा रहे, उनका हो जाएगा तो फिर बर्खा खाएगी और सबसे लास्ट में मैं खाऊंगी। बर्खा कल मुझे आई थी मिलने, तो मैंने बोला उसको कि मैं भटूरे बनाने वाली हूँ, तेरा प्लान है तो आ जाना, तो वो आ गई। गर्म भटूरे जो है अजीत और निष्ठा जिसको चेरेंगे दूंगी मैं। हे बेबी, पाइपिंग हॉट हॉट हॉट, कैसा लगा जो भटूरा? पक्का? हाँ पक्का। यार निष्ठा आपके भी ला रही है ना, मैं बुलाती हूँ, पक्का अच्छा लगा जो? पक्का, सबसे बेस्ट। अरे व्हाट अबाउट यू, यू लाइक पापाज बर्थडे पार्टी, बर्थडे लंच? या सबने खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं अभी खाना खाऊंगी। पर मैं क्या करूँ गाइस, इतनी सुंदर हूँ आप ही बताओ ना। जस्ट इमेजिन कि एक लिपस्टिक और एक पाउडर लगाने से, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से द लुक ऑफ द फेस टोटली चेंजेस। वहाँ से मैंने यहाँ पर वो शेडो लगाया, हल्का सा काजल लगाया है, लिपस्टिक और थोड़ा सा पाउडर लगाया है, बिल्कुल भी फाउंडेशन, नो हैवी मेकअप, तो भी लुक जो है इतना फ्रेश ऐसा लग रहा है। वरना तो मैं ऐसे मेरी आंखें सूजी हुई ऐसे, मतलब पर मैं मेकअप करके ना नहीं रह सकती हूँ, मतलब घर पे ना कभी कभी ठीक है ओकेशनली, बट एवरी डे आई कैन नॉट पुट अ मेकअप, मुझे आदत ही नहीं है। तो ठीक है, जब भी कभी कभी मैं मेकअप करूँगी तो आप देख लीजिए। शाम के हो गए हैं कितने कितने, रात के हो गए हैं 30। हम लोग खाना खा के, हमको इतनी तेज नींद आई, इतनी तेज, चाय बना के पी, शाम को उठे, इतना हैवी हैवी लंच था, छोले भटूरे, इतना ना खाने का नशा आ गया, मैं तो सो गई, अजीत भी सो गए, सब सो गए, और मेरी सिस्टर जो है बहन बरखा वो भी सो गई, सब सो गए। फिर वो उठी, वो लोग 6 बजे उठ गए, मैं थोड़ा देर से उठी क्योंकि मैं आज सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी, तो मैं काफ़ी देर तक सोई, और फिर मैंने उठ के चाय बनाई, फिर मैं फ्रेश हुई। फिर बच्चों को कैसा लगा निष्ठा? क्या छोले भटूरा? अच्छा लगा, यम्मी यम्मी, वेरी हैवी ना निष्ठा? यम्मी द टम, यम्मी द टम। अब ये पुश कर रहे हो मुझे यहाँ पर ऐसे लेके आए, गो स्टडी स्टडी। अब मुझे वॉक करने जाना है, जब बहुत मेरा पेट हैवी लग रहा है, सो आई एम गोना गो फॉर वॉक। और मुझे रात को कुछ खाना नहीं बनाना है आज, क्योंकि बच्चों का भी पेट हैवी है, मतलब उनको भी पेट भरा भरा लग रहा है, तो उनको मैं फ्रूट्स दूंगी, और अगर उनको भूख लगी तो मक्खन पराठा है वो बना के दे दूंगी। तो आज रात को कुछ खाना नहीं है, छोले बचे हुए हैं तो वो हम लोग कल जो है छोले राइस कर लूंगी मैं, और कल बनाऊंगी कुछ तो और साथ में अलग अलग से एडिशनली, वो कल बताऊंगी आपको। तो फिलहाल दिस इज द प्लान फॉर टू नाइट एंड अजीत का बर्थडे। नीचे वॉक हो रही है, आके पौना घंटा तो मुझे हो गया है, 45 मिनट्स हो गया है, और मैं वॉक कर रही हूँ। मेरे एक दो फ्रेंड्स लोग थे, उनसे बात करी मैंने, और इतना अच्छा मौसम है, बिल्कुल थकान ही नहीं हुई, मतलब मैं 45 मिनट से वॉक कर रही हूँ, काफ़ी फास्ट वॉक कर रही हूँ, तो अभी मुझको थकान नहीं हो रही, कुछ पसीना नहीं आ रहा है। दिस इज़ द परफेक्ट वेदर टू डू गो फॉर वॉक। तो बस वॉक करती हूँ, फिर आप लोगों से घर में बात करूँगी। वॉक हो गई, अब हम जा रहे हैं घर को। रात के हो रहे हैं 12:30 और हम लोग जा रहे हैं सोने। बेड वेड सब तैयार हो गया है, बच्ची ने ब्रश कर लिया है, सब कर लिया है, हृदय यहाँ पर खेल रहा है। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। पापा का बर्थडे, अजी का बर्थडे भी खत्म हो गया खुशी खुशी। इट वॉज वेरी फन फील डे, बहुत मजा आया। अब लोग जो है हम लोग, हाँ बंद करो ना, कल मिलेंगे, बात तो बोल दूँ, तो कल ये ब्लॉग आज खत्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टे सेफ स्टे हेल्दी, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल फुल लव, ओके, बाय। कमेंट कमेंट, यस यस यस, गुड गुड कमेंट्स, बाय।